दिखाऊंगा भाई, ये टेक्नोलॉजी चाइना से बाहर नहीं जानी चाहिए, यहाँ की गवर्नमेंट का कहना है। टॉयलेट में एक छेद इधर एक छेद इधर है, मतलब या तो इधर हंग लो या उधर मुंह लो, या उधर हंग लो या इधर मुंह लो भाई। अपने 5 रुपए की वैसलीन आती है ना, अब तो 10 रुपए की कर दी है वैसलीन, यहाँ पे 250 रुपए की वैसलीन मिल रही है जो अपने 10 रुपए की मिलती है, तो भाई डिफरेंस देख लो आप। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो भाई राइट नाउ मैं इनर मंगोलिया से ALR करके कोई जगह है जो कि चाइना का बॉर्डर टाउन है, वहाँ तक आया था। तो मैंने यहाँ से टिकट लिया, तो मैंने बहुत सोचने के बाद डिसाइड किया कि भाई उलानबत्तूर नहीं जाऊँगा, बिकॉज बुखार चढ़ा हुआ और थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। तो आप लोग दिखा देता हूँ यहाँ पर उलानबत्तूर की टिकट कितने की पड़ती है। आप लोग अगर यहाँ से उलान बतार जाते हो ना, तो 210 रुपये की आपको टिकट पड़ेगी, जो कि शायद शाम को बस निकलती है, पता नहीं मॉर्निंग में निकलती है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर जितना समझ में आया ना 210 रुपये। अगर आप लोग जामिनुद जाते हो ना, जस्ट बॉर्डर से अगला टाउन है जामिनुद, तो वहाँ तक की 50 युआन की पड़ी थी, तो वहाँ से मैं ट्रेन पकड़ लूँगा अगर ट्रेन की टिकट मिल जाएगी, अदरवाइज़ वहाँ पर एक नाइट ओवर नाइट स्टे करना पड़ेगा। बाकी ये देख लो भाई, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को ये बस स्टैंड देखने को मिलेगा। आवाज़ क्या है मेरी, ज़्यादा निकल नहीं रही है यार, रात को बुखार चढ़ाया था और थोड़ी सी ऐसी तबीयत हो रही है। और थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूँ, पता नहीं इसको देख के लग नहीं रहा है मंगोलियन है कि नहीं, लेकिन इधर की साइड देखो रशियन लिखी हुई है और इधर की साइड में मंगोलियन लिखी हुई है, पर मंगोलियन की जो लैंग्वेज है ना वो रशियन के अल्फ़ाबेट्स की तरह दिखाई देती है, बट पता नहीं है कौन सी लैंग्वेज, मे भी मंगोलियन ही होगी, लोकल मंगोलियन लैंग्वेज होगी ये शायद मेरे हिसाब से। तो दोस्तों आप लोग एक कमाल की टेक्नोलॉजी देखना चाहते हो, आप लोगों को दिखाऊंगा भाई, ये टेक्नोलॉजी चाइना से बाहर नहीं जानी चाहिए, यहाँ की गवर्नमेंट का कहना है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई साहब, ये देख रहे हो, ये टॉयलेट है यहाँ का, लेकिन टॉयलेट नेक्स्ट लेवल है भाई। ये देखो टॉयलेट में एक छेद इधर है, मतलब या तो इधर हंग लो या उधर मूत लो, या उधर हंग लो या इधर मूत लो भाई साहब, खतरनाक टेक्नोलॉजी बना रखी है। देखो दो गटर है वहाँ पे, बाथरूम का पी वहाँ जाना चाहिए और हगने का यहाँ जाना चाहिए भाई साहब, खतरनाक टॉयलेट है, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। है कि नहीं खतरनाक टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी भाई साहब बाहर नहीं जानी चाहिए, मतलब यहाँ के लोगों ने खतरनाक बना रखा है, मतलब चाइना ने आते कर रखी है भाई, मतलब खतरनाक टॉयलेट था। मैं पहली बार देखा, मैं भाई ये क्या है, मतलब कहाँ हगे और कहाँ मूते। तो गाइस फाइनली मंगोलिया पहुंच गया भाई, मंगोलिया इमिग्रेशन ज़्यादा कुछ खास नहीं था, उन्होंने मेरा पासपोर्ट का डिटेल्स चेक किया काफ़ी देर तक और फिर जाके मुझे अलाउ किया। बाकी ये जो मेरे सामने बस खड़ी है, इस बस से आया था मैं, और चलते हैं यहाँ से ट्रेन स्टेशन और देखते हैं। तो भाई ठंडी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, -30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, और जो मेरे पीछे की साइड आप लोग देख रहे हो वो यहाँ का ट्रेन स्टेशन है। तो चलते हैं फटाफट से यहाँ के ट्रेन स्टेशन पर और टिकट बुक करता हूँ। पहली बात तो मेरे पास करेंसी नहीं है, तो करेंसी का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे, और फिर देखते हैं। बाकी चाइनीज़ जो इमिग्रेशन था ना, उन्होंने काफ़ी सारी डिटेल पूछी मेरे से, कहाँ कहाँ गया था। लास्ट टाइम मैंने बिज़नेस वीज़ा लिया था, तो बोलता है कि तुमने लास्ट टाइम बिज़नेस वीज़ा क्यों आया था, इस बार टूरिस्ट वीज़ा से क्यों आया, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, पर ओवरऑल ठीक था। और ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है भाई, वो मेरे सामने देख रहे हो वो यहाँ का ट्रेन स्टेशन है। तो फटाफट से चलते हैं और टिकट कराते हैं, बिकॉज़ यहाँ से इवनिंग में 5:30-6 बजे एक ट्रेन जाती है जो कि हमें उलानबत्तूर उतारेगी। बस में मेरी हिम्मत नहीं है भाई जाने की 1% भी। जैसे आप लोग मंगोलिया में आओगे ना, तो यहाँ पर लैंडस्केप टोटली चेंज हो जाएगा, आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिल जाएगा चाइना और मंगोलिया में। तो दोस्तों 2.5-3 घंटे की मशक्क़त के बाद है ना, मैंने पैसे एक्सचेंज करवाए और पैसे विड्रॉ कराए अपने ATM से, और तब जाके मैंने टिकट और सिम कार्ड लिया। भाई बहुत प्रॉब्लम है यहाँ के लोग, मुझे ऐसा लगा थोड़े बहुत रूड हैं, मैंने उनसे बोला वाईफाई दे दो। एक ATM क्या है मेरा काम नहीं कर रहा, तो मैंने कहा वाईफाई दे दो मैं ताकि पैसे ट्रांसफ़र कर लूँ, तो भाई नेट नहीं दिया उन लोगों ने भाई। कोई नहीं यार, अब मेरी हालत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा बुखार है, पहले तो थोड़ा बहुत था, तो चलने की बस की नहीं है, तो थोड़ा बहुत इधर पास में शॉप है वहाँ पर जाता हूँ और कुछ खाने पीने के लिए लेता हूँ और मेडिसिन वगैरह लेता हूँ। तो भाई सॉरी अगर मैं ढंग से रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, तो यार थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। और इधर ट्रेन स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलोगे, आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी बड़ा क्रिसमस ट्री देखने को मिल जाएगा, और ये सामने आप लोगों को एक ATM देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को ट्रेन स्टेशन के अंदर भी ATM देखने को मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोगों को ट्रेन टिकट नहीं मिलती, यहाँ पर सामने काफ़ी सारे होटल भी हैं, तो आप लोग वहाँ पर भी रह सकते हो। मुझे तो ट्रेन टिकट मिल गई है, तो मैं आज निकल रहा हूँ, कल जाके आराम करूँगा 2-3 दिन, और पहले तो रिकवर होऊंगा भाई, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सही बता रहा हूँ। चलो जो भी है देखा जाएगा, अभी कुछ ख़रीदते हैं यार यहाँ से।
तो गाइस दवाई ली है और कुछ स्नैक्स लिए हैं, अभी मैं वापस अपने हॉस्टल जा रहा हूँ। और सच में यार बहुत ज़्यादा बॉडी पेन है और बुखार तो भाई बहुत ज़्यादा है। अभी देखता हूँ ट्रेन स्टेशन पर अगर सोने के लिए मिलेगा ना तो दवाई खा के सो जाऊँगा, बहुत ज़्यादा खराब है भाई। और ये जो टाउन है कुछ इस तरीके से दिखता है, छोटा सा टाउन है और ज़्यादा बड़ा टाउन नहीं है। तो गाइस जो हमारी ट्रेन है वो आ चुकी है और मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, अभी सो लिया था 2-3 घंटे तो अभी अच्छा लग रहा है। और दवाई काफ़ी बढ़िया थी भाई, उसने अच्छा खासा असर किया, अदरवाइज़ मेरे को बहुत ज़्यादा ज़ोर से बुखार चढ़ा हुआ था। और इधर देखो लोग अभी तक बाहर ही खड़े हैं बिकॉज अलाउ नहीं किया, बोर्डिंग अभी चालू नहीं की। बाकी ये मेरे सामने देख लो, ये कोई स्नो मैन बना रखा है लोगों ने और ये हमारी ट्रेन है। तो तब तक मैं कुछ खाने पीने के लिए ले आता हूँ बिकॉज ट्रेन में भूख वगैरह लगेगी। वैसे मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे पर और खाने के लिए ले लेता हूँ कप नूडल वगैरह, तो भूख नहीं लगेगी। अभी शरीर को क्या है कि खाने की सख्त ज़रूरत है। बाकी ये जो सिटी आप लोगों को मैं बताऊँ ना भाई, बहुत छोटा सिटी है, यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है भाई, जो बॉर्डर टाउन रहते हैं वो ज़्यादा डेवलप नहीं रहते। और ये जो TDB बैंक है ना, मैंने यहाँ से मनी एक्सचेंज करवाई थी, एक्चुअली मेरा कार्ड वगैरह काम नहीं कर रहे थे, बहुत इशू हुआ था, तो इस बैंक से मैंने मनी एक्सचेंज करवाई थी। और ये सामने आप लोगों को ATM भी देखने को मिल जाएगा, अगर आप लोग कभी आते हो तो कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को। ये स्टेशन के अंदर भी 2-3 ATM देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे भी 1-2 ATM देखने को मिल जाएंगे और उधर की साइड पे भी 1-2 ATM है, तो आप लोगों को ATM का इशू नहीं होगा। और एक बैंक वो वहाँ पे है। तो कुछ खाने पीने के लिए फटाफट से ले लेते हैं और वापस चलते हैं ट्रेन स्टेशन। तो गाइस फाइनली ट्रेन में मैंने बोर्ड कर लिया, आप लोगों को ये ट्रेन दिखाता हूँ। थोड़ी सी कंजस्टेड है ये ट्रेन एज कम्पेयर टू चाइनीज ट्रेन एंड रशियन ट्रेन, आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ। ये ट्रेन इसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा कुछ स्पेस देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे काफ़ी छोटा सा स्पेस है और इसके अंदर भी ज़्यादा स्पेस नहीं है। जब ये सीट नीचे आ जाएगी ना तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं बचेगा, एक सीट ऊपर एक सीट नीचे है और मेरी वो वाली सीट है। बाकी देख लो भाई ये इस तरीके से, यहाँ पे आप लोगों को कर्टन देखने को मिल जाएगा और चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा और उधर की साइड भी थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत है, आप लोगों को थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जब एंट्री लेते हो ना तो यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड है, यहाँ पे एंट्री के लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा बिकॉज ये स्पेस ज़्यादा है नहीं, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है आप लोगों को। बाकी ओवरऑल ट्रेन ठीक है। और ये बाहर ट्रेन स्टेशन है, यहाँ पे मैं रुका था ऊपर जो देख रहा है आप लोगों को। लोग ऐसा लग रहा है जैसे पूरा घर को उठा के लेके जा रहे हैं, इतना सारा सामान। ओहो तौबा तौबा, हमारी ट्रेन थी जस्ट नाउ मैं उलानबत्तार पहुंचा। और जैसे आप लोग ट्रेन स्टेशन में आओगे आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा क्रिसमस ट्री देखने को मिलेगा और इधर की साइड में कोयले वाला जो पहले इंजन चलता था वो देखने को मिलेगा। ठंडी काफ़ी ज़्यादा है भाई, रात को मेरे को बुखार बहुत ज़ोर से आ गया था। तो भाई रात को बुखार आ गया था तो सुबह 4 बजे उठ के बिस्कुट खाया और तब जाके मैंने दवाई ली। अभी थोड़ा सा आराम है, अभी देखता हूँ यार हॉस्टल यहाँ से कितनी दूर है, तो यहाँ से सीधा मैं हॉस्टल जाऊँगा और फिर उसके बाद में हम लोग एम्बेसी चलेंगे बिकॉज मेरे को रशिया वीज़ा अप्लाई करना है। तो देखते हैं हमारा जो हॉस्टल है वो कितनी दूर है, उसके हिसाब से करेंगे। एंड वेलकम टू आवर कंट्री नंबर 27 और इस साल की हमारी लास्ट न्यू कंट्री होने वाली है, रशिया नहीं होगी रशिया बिकॉज ऑलरेडी हम लोग विजिट कर चुके हैं। तो मंगोलिया हमारी कंट्री नंबर 27 होगी जो कि लास्ट न्यू कंट्री ऑफ 2023। ठीक है भाई ठंडी बहुत ज़्यादा है, मैं इसको अंदर रख लेता हूँ। तो देख लो ऐसा कुछ नज़ारा है मंगोलिया सिटी का, उलानबत्तार का, और यहाँ पे आप लोग क्रिसमस ट्री वगैरह देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअली ये जो वीडियो है ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ 3rd दिन से भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा हुआ है और हालत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है मेरी, तो उठने की बस की नहीं है। और अभी दवाई लिया, जब तक मैं दवाई लेता हूँ तब तक हालत ठीक रहती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर बुखार आ जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ जितना ज़्यादा रेस्ट करूँ उतना ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अभी मुझे क्या अपना रशिया वीज़ा अप्लाई करना है। कल एक्चुअली मैं गया था एम्बेसी लेकिन उन्होंने मना कर दिया, वो बोले कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। तो फिर आज मैं डॉक्यूमेंट्स पूरे करके और यहाँ पे पीछे डिपार्टमेंटल स्टोर है यहाँ से फोटोकॉपी करवाने वाला हूँ और फिर उसके बाद में डायरेक्टली मैं एम्बेसी जाऊँगा और देखते हैं क्या बोलते हैं। बट
वीज़ा अप्लाई करेंगे, बाकी यहाँ पे टेम्परेचर -35 डिग्री के आसपास है, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, मतलब फील होने लग जाता है कि भाई हाँ सच में ठंड है यहाँ पे। बाकी ये देख लो भाई, ये कुछ इस तरीके से आप लोगों को मंगोलिया सिटी देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा खासा मंगोलिया सिटी। यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत मेन, अगर आप वेजिटेरियन हो ना तो यहाँ पे वेजिटेरियन खाना ढूंढना बड़ा दिक्कत हो जाता है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। बट देखते जो भी है, इसके अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो कैसा दिखता है। मेरे को क्या यहाँ पे फोटोकॉपी की शॉप तो कहीं भी नहीं मिली, लेकिन एक फ़ोटो की दुकान है वहाँ पे फोटोकॉपी करवाता हूँ मैं, कल भी वहीं पे करवाई थी, वो भाई से मिनते मांग के करवाई थी। ये देखो ये बंदा यहाँ पे एल्बम वगैरह बनाता है, तो इससे फोटोकॉपी करवानी है भाई, इससे बोलूँगा कि भाई फोटोकॉपी एक बार और कर दे। तो देख लो भाई, ये भैया की शॉप कुछ इस तरीके से दिखती है। यहाँ पे एक्चुअली इनका जो काम है ये फ़ोटो स्टूडियो का काम है इनका, लेकिन अब क्या करें यार, यहाँ पे कोई शॉप नहीं मिली, तो ये देख लो ये भैया फ़ोटो स्टूडियो का काम करते हैं, लेकिन भैया से रिक्वेस्ट करके मैंने प्रिंटआउट निकलवाया। एक्चुअली ये जो सामने मशीन देख रहे हो ना, ये नॉर्मल पेज एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन कैसे तैसे टुसेड टुसेड के ये लोगों ने मेरे लिए प्रिंटआउट निकाला था। तो ठीक है, यहाँ पे लोग कुछ लोग जो हैं बहुत रूडली बिहेव करते हैं आपसे, कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही पोलाइटली आपसे बात करेंगे, आपसे पास में आके आप लोगों से बातें करने की कोशिश करेंगे, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा रूडली हैं। आप लोग मेरे सामने बिल्डिंग देख रहे हो, ये रशियन एम्बेसी की बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, और यहाँ पे इनके खुद के अपार्टमेंट भी है। तो मेरे को कल क्या है, ये सिर्फ एंट्री गेट ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, लेकिन इसका जो वेस्ट गेट है वहाँ से ही एंट्री ले सकते हैं, बाकी सारे की सारी जो एंट्री गेट है वो रेजिडेंसी लोगों के लिए है। तो भाई देख लो कुछ ऐसा नज़ारा है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रखा है, ठंडी बहुत ज़्यादा भाई, ज़बरदस्त ठंडी है। तो दोस्तों अपन ने वीज़ा अप्लाई कर दिया, बस अब अपने को पेमेंट करनी है, यहाँ पे जो मंगोलिया का ऑफिशियल बैंक है TDB बैंक, वहाँ पे पेमेंट करनी है अपने को, और 27 तारीख को पिकअप आई थिंक, 27 तारीख को उन्होंने बोला है कि यहाँ से आके अपना पासपोर्ट ले जाना, तो स्टाम्प हो जाएगा वीज़ा। तो भैया मस्त थे, जो भी है यहाँ पे भैया, एक भैया बैठता है बहुत मस्त है, बहुत पोलाइटली बात करेगा, इतना नहीं है आप लोगों से रूडली बात करेगा, वीज़ा नहीं मिलेगा फलाना ढिमकाना, जाओ आराम से और आपको वीज़ा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैंने क्या क्या लगाया, इनविटेशन लेटर लगाया और और एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है, तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, उसके साथ में मैंने अपना पासपोर्ट अटैच किया था। बाकी आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस लगाना चाहते हो तो हेल्थ इंश्योरेंस भी लगा सकते हो, बाकी अगर आप लोगों को रेगुलर में चाहिए तो $80 फीस है, अदरवाइज़ अर्जेंट में चाहिए तो $160 है, जो आप लोगों को हाथों हाथ मिल जाएगा। आप 10 बजे अप्लाई करोगे तो 12:30 बजे या 1 बजे आप लोगों को आपका वीज़ा आपके हाथ में मिल जाएगा। बाकी भाई बहुत ज़्यादा ठंड है, सही बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी अपन यहाँ पे TDB बैंक ढूंढते हैं, वहाँ पे पेमेंट करवाते हैं और फिर वापस अपने हॉस्टल चलते हैं, बिकॉज़ अभी आराम की सख्त ज़रूरत है। बाकी ये देख लो, कुछ सिटी कुछ इस तरीके से दिखता है, काफ़ी खूबसूरत है। लोगों का आधा काम तो बस स्नोफॉल हटाने में ही लगा रहता है। लोगों को कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, जो अपने 5 रुपये की वैसलीन आती है ना, अब तो 10 रुपये की कर दी है, वो वैसलीन यहाँ पे 8,540 MNT की पड़ती है, जो कि अपने इंडिया के कितने होते हैं, ये हो गए 250 रुपये के आसपास, मतलब ये वैसलीन यहाँ पे 250 रुपये की वैसलीन मिल रही है, जो अपने 10 रुपये की मिलती है। तो भाई डिफरेंस देख लो आप लोग अपने इस हिसाब से, बहुत महंगा है यहाँ पे चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है मंगोलिया कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। मैं यार कोल्ड क्रीम ढूंढ रहा हूँ, कोल्ड क्रीम मिल जाए तो कोल्ड क्रीम लेंगे, बट यहाँ मिल नहीं रही है, चीज़ें महंगी है यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रेड वगैरह बहुत ज़्यादा चलते हैं, आप लोगों को ब्रेड वगैरह लेना है तो ब्रेड वगैरह ले सकते हो। बाकी यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की क्रीम वगैरह मिल जाएंगी, अगर आप लोग क्रीम वगैरह लेना चाहते हो तो क्रीम ले सकते हो। कॉस्टली है, मुझे जितना लग रहा है ना कॉस्टली है यहाँ पे। अब ये देखो ना, ये प्रोटेक्स क्रीम, ये जो साबुन है, ये कितने का पड़ रहा है, 4,329 का पड़ रहा है, मतलब यहाँ का जो MNT है ना वो $1,3,500 कुछ का पड़ता है, तो आप लोग आइडिया लगा लेना उस हिसाब से। तो ये कम से कम 80-90-95 रुपये का पड़ रहा है ये साबुन जो है, कॉस्टली तो है यार यहाँ पे। बाकी आप लोग खुद कंपेयर कर लेना, ये
कोलगेट की जो ये बड़ा पैक आता है ना अपने, शायद 100-110 रुपए का आता है, जो कि यहाँ पे 9,350 का पड़ रहा है, जो कि कितना हो गया इंडिया के हो गया 180-190 रुपए के आसपास हो गया। तो थोड़ा बहुत कॉस्टली है यहाँ पे चीज़ें। मैंने तो ये बिस्किट और ये कोई एक चॉकलेट लिए खाने के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे सिर्फ बेकरी का सिस्टम था, बाकी सब्जियाँ और अदर बाकी कोई चीज़ें नहीं। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रेड देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग मंगोलिया और रशिया में आते हो ना, तो आप लोग फ्रोज़न फूड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और ब्रेड वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो अभी यहाँ पे फटाफट चेकआउट करते हैं। मंगोलिया में भी ट्रैफिक कोई रूल है नहीं, यहाँ पे आप लोगों को सिग्नल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन लोग जाए जा रहे हैं। ये देखो, हम लोगों को यहाँ पे चलने की ग्रीन लाइट दे दी है, लेकिन लोग फिर भी उधर से आ रहे हैं, बताओ। तो मतलब यहाँ पे भी रूल रेगुलेशन है नहीं ट्रैफिक रूल्स के। और वो पुलिसिया देखो बीच में खड़ा है, उसको बेचारे कोई सुन ही नहीं रहा। मतलब यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि भाई लोग रूल को फॉलो करते, यहाँ पे कुछ रूल को फॉलो नहीं करते, बीच में पुलिसिया खड़ा है, इसकी कोई सुन ही नहीं रहे। बाकी ये देख लो भाई, ये लोग इसको साफ कर रहे हैं। हम लोगों को देखने से लगता है कि भाई स्नोफॉल बहुत अच्छी है, लेकिन जो लोग स्नोफॉल में डेली का आने जाने का काम रहता है ना, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये चीज़। और स्नो को हटाना और फिर 2-4 दिन में फिर से वैसी की वैसी स्नो हो जाती है। और मेन प्रॉब्लम क्या है, ये थोड़ा स्लिपरी है, तो यहाँ पे बंदा स्लिप करता है। मैं 2-3 बार स्लिप होने से बचा हूँ यहाँ पे। तो मतलब चीज़ें डिफ़िकल्ट है, जैसा हम लोग सोचते हैं ना कि भाई स्नोफॉल में मज़ा आता होगा, वो आता होगा, हम लोगों ने कभी देखी नहीं, इसलिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई स्नोफॉल में बहुत मज़ा आता होगा। लेकिन भाई 2-4 दिन रुकते हैं ना स्नोफॉल में, उसके बाद में ऐसा मन करता है कि भाई निकल जाओ। अभी अंकल हैं, इन्होंने देखो मतलब चमड़े के, ये पता नहीं किसी की छाल के, बहुत मोटे मोटे जूते पैर रखे, और कपड़े देखो, तब जाके इनकी ठंड रुकी हुई है। और मेरे कपड़े जो हैं नॉर्मल कपड़े हैं। ये आंटी ने देखो कितने मोटे मोटे कपड़े पैर रखे हैं। इनके जूते देखने से ना नॉर्मल लगते हैं, बट एक्चुअली में नॉर्मल जूते हैं नहीं, मतलब बहुत मोटे मोटे जूते हैं वो, जैसे घोड़े की छाल ले लो, या फिर ये ऊँट रहता है इनकी छाल से ये लोग बना के रखते हैं। बाकी भाई अब हाथ में और दम नहीं है रिकॉर्ड करने का,